महाराणा प्रताप की जीवनी। महाराणा प्रताप सिंह उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत वंश के राजा थे। वो इतिहास में वीरता और दृढ़ प्रण के लिए अमर हैं। उन्होंने कई सालों तक मुगल सम्राट के साथ में संघर्ष किया। महाराणा प्रताप सिंह ने मुगलों को कई बार युद्ध में भी हराया। महाराणा प्रताप का जन्म। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता का नाम राणी जयवंत कंवर था। महाराणा प्रताप की माता जयवंता बाई जो पाली के सो नगरा अखैज राज की बेटी थी। महाराणा प्रताप को बचपन में कीका के नाम से पुकारा जाता था। उनका पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया था। राणा उदय सिंह के दूसरी रानी धीरबाई, जिसे राज्य के इतिहास में रानी भटियाड़ी के नाम से जाना जाता है, वे अपने पुत्र कुंवर जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। प्रताप के उत्तराधिकारी होने पर उसके विरोध स्वरूप जगमाल अकबर के खेमे में चला जाता है। महाराणा प्रताप के पास एक सबसे प्रिय घोड़ा था, जिसका नाम चेतक था। महाराणा प्रताप का पहला राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा में हुआ था, लेकिन विधि विधान स्वरूप राणा प्रताप का द्वितीय राज्याभिषेक 1572 में ही कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। दूसरे राज्याभिषेक में जोधपुर का राठौर शासक राव चंद्र सेन भी उपस्थित थे। राणा प्रताप ने अपने जीवन में कुल 11 शादियाँ की थी। उनके पत्नियों और उनसे प्राप्त उनके पुत्र पुत्रियों के नाम इस प्रकार हैं। महारानी अजबदेव पवार, अमर सिंह और भगवान दास, अमरबाई राठौर, नत्था, सहमतीबाई हाडा पूरा, अलमदेव बाई चौहान, जसवंत सिंह, रत्नावती बाई परमार, माल गज किलंगू, लखाबाई, राय भाना, जसोबाई चौहान, कल्याणदा, चंपाबाई जंथी, कल्ला सनवाल दास और दुर्जन सिंह, सोनल खिनीपुर बाई सासा और गोपाल, फूल बाई राठौर, चंदा और सिखा, खीचर आशाबाई, हत्थी और राम सिंह। महाराणा प्रताप के शासनकाल में सबसे रोचक तथ्य यह था कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध के प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। इसीलिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत को नियुक्त किया, जिसमें से सबसे पहले सितंबर 1572 ईस्वी में जलाल खां प्रताप के खेमे में गया। इसी तरह से मान सिंह 1573 ईस्वी में, भगवान दास सितंबर 1573 ईस्वी में तथा राजा टोडरमल दिसंबर 1573 ईस्वी में प्रताप को समझाने के लिए पहुँचे, लेकिन राणा प्रताप ने चारों को निराश किया। इसी तरह फिर राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया और उसके बाद हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध, यह युद्ध 18 जून 1576 में मेवाड़ तथा मुगलों के बीच हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले हकीम खां सूरी एकमात्र मुस्लिम सरदार थे। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह तथा आसफ खां ने किया। इस युद्ध को आंखों देखा वड़न अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। युद्ध को आसफ खां ने अप्रत्यक्ष रूप से जिहाद की संज्ञा दी। इस युद्ध में बीदा के झालामान ने अपने प्राणों का बलिदान करके महाराणा प्रताप के जीवन की रक्षा की। वहीं ग्वालियर के नरेश राजा राम शाह तोमर भी अपने 3 पुत्रों कुंवर शालिवाहन, कुंवर भवानी सिंह, कुंवर प्रताप सिंह और पुत्र बलभद्र सिंह एवं सैकड़ों वीर तोमर राजपूत योद्धाओं समेत चीर निद्रा में सो गए। इतिहासकार का मानना है कि इस युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, पर देखा जाए तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप सिंह विजय हुए। अकबर की विशाल सेना के सामने मुट्ठी भर राजपूत कितनी देर तक टिक पाते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये युद्ध पूरे 1 दिन चला और राजपूतों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि युद्ध आमने सामने लड़ा गया था। महाराणा की सेना ने मुगलों के सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था और मुगल सेना भागने को मजबूर हो गई।
दिवेर का युद्ध। राजस्थान के इतिहास 1582 में दिवेर का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में राणा प्रताप के खोए हुए राज्यों की दोबारा प्राप्ति हुई। इसके बाद राणा प्रताप व मुगलों के बीच एक लंबा संघर्ष युद्ध के रूप में घटित हुआ, जिसके कारण कर्नल जेम्स स्टार्ड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। महाराणा प्रताप की सफलता। 1579 से 1585 तक पूर्व उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात के मुगल अधिकृत प्रदेशों में विद्रोह होने लगे थे और महाराणा भी एक के बाद एक गढ़ जीतते जा रहे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि अकबर उस विद्रोह को दबाने में उलझा रहा और मेवाड़ पर से मुगलों का दबाव कम हो गया। इस बात का लाभ उठाकर महाराणा ने 1585 में मेवाड़ मुक्ति प्रयत्नों को और भी तेज कर दिया। महाराणा की सेना ने मुगल चौकियों पर आक्रमण शुरू कर दिए और तुरंत ही उदयपुर सहित 36 महत्वपूर्ण स्थान पर फिर से महाराणा का अधिकार स्थापित हो गया। महाराणा प्रताप ने जिस समय सिंहासन ग्रहण किया, उस समय जितने मेवाड़ की भूमि पर उनका अधिकार था, पूरी तरह से उतने ही भाग पर अब उनकी सत्ता फिर से स्थापित हो गई थी। 12 साल के संघर्ष के बाद अकबर उसमें कोई परिवर्तन न कर सका और इस तरह महाराणा प्रताप समय की लंबी अवधि के संघर्ष के बाद मेवाड़ को मुक्त करने में सफल रहे और ये समय मेवाड़ के लिए एक स्वर्ग युग साबित हुआ। मेवाड़ पर लगा हुआ अकबर का ग्रहण का अंत 1585 ईस्वी में हुआ। उसके बाद महाराणा प्रताप उनके राज्य की सुख सुविधा में जुट गए। महाराणा प्रताप की मृत्यु। राज्य की सुख सुविधा के लिए काम करने के 11 वर्ष बाद ही दुर्भाग्यवश 19 जनवरी 1597 में अपनी नई राजधानी चावंड में उनकी मृत्यु हो गई। एक सच्चे राजपूत शूरवीर देशभक्त योद्धा मातृभूमि के रखवाले के रूप में महाराणा प्रताप दुनिया में सदैव के लिए अमर हो गए। फिल्म और साहित्य में सबसे पहले 1946 में जयंत देसाई के निर्देशन में महाराणा प्रताप नाम से श्वेत श्याम फिल्म बनी थी। 2013 में सोनी टीवी ने भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप नाम से धारावाहिक प्रसारित किया था, जिसमें बाल कुंवर प्रताप का पात्र फैसल खां और महाराणा प्रताप का पात्र शरद मल्होत्रा ने निभाया था। धन्यवाद।